हेलो दोस्त, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए सोशल साइंस का मॉडल सेट 4। स्टार्ट करने पहले आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हम मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का और फिजिक्स का क्रैश कोर्स वीडियो और मैथ का क्रैश कोर्स वीडियो मात्र एक घंटा में रिविजन करने वाला इतना चीज़ हम डाल चुके हैं, ठीक है ना। साइंस का, मैथ का और सोशल साइंस का मॉडल सेट और फिजिक्स का क्रैश कोर्स वीडियो और मैथ का क्रैश कोर्स वीडियो डाल चुके हैं। हाइट एंड डिस्टेंस मिल जाएगा आप लोग को यहाँ पर, और प्रश्नावली 2 का 1 अप्रूव डेट मिल जाएगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट मिल जाएगा, और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ऐसे चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग में जो मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ कॉन्सेप्ट से सीखने का मौका मिलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया था। कौन था? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। अच्छा, इटली के एकीकरण में कौन कौन सहायता प्रदान किया था। इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति का नाम आता है। पहला आता है मेजनी, दूसरा आता है काउंट काबूर, तीसरा आता है गेरिबाल्डी। मेजनी, काउंट काबूर और गेरिबाल्डी। मेजनी कार्बोनली एक राष्ट्रवाद, इटली का एक राष्ट्रवाद संगठन था, कार्बोनली का सदस्य था, और काउंट काबूल जो था एक सफल कूटनीतिक थे, ठीक है ना। और गरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता था, और जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को दिया जाता है। और बिस्मार्क परसा के विलियम प्रथम, परसा का राजा था, विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? बिस्मार्क, ठीक है ना, याद रखना है। और बिस्मार्क जो किया था एकीकरण, वो किए थे जर्मनी का एकीकरण, बिस्मार्क ने किए थे। और वो कब हुआ था? वो हुआ सेरान युद्ध के फलस्वरूप हुआ था 1870 ईस्वी में, ठीक है। और 1870 ईस्वी में हुआ था, और 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण हो गया था, इतना जानना जरूरी है। और एक सेडेवा का युद्ध हुआ था 1866 ईस्वी में, और बिस्मार्क एक सफल कूटनीतिज्ञ थे। आगे बढ़ते हैं। और रक्त एवं रोग की नीति बिस्मार्क ने अपनाया था, ठीक है ना। और गेरिबाल्डी पेशा से नाविक थे। आगे बढ़ते हैं। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो ये किया था प्रधानमंत्री के पद पर काउंट काबूर को नियुक्त किया था। और ये काउंट काबूर इटली के एकीकरण में कूटनीतिक के रूप में काम किए थे। आगे बढ़ते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? बता चुके हैं, रूस में जार का अर्थ होता है, काफ़ी बार बता चुके हैं, रूस का सम्राट, ठीक है ना। और वहाँ का सम्राट था 1917 ईस्वी से पहले जार निकोलस द्वितीय, लेकिन रूसी क्रांति हुआ था 1917 में, जिसे हम बोल्शेविक क्रांति या नवंबर की क्रांति भी कहते हैं। 1917 में जार निकोलस द्वितीय के शासन का अंत हो गया था बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। और कार्ल मार्क्स का एक फेमस पुस्तक है दास कैपिटल, जो पूछा जा चुका है दास कैपिटल किसने लिखा, तो कार्ल मार्क्स। और एक और दूसरा फेमस पुस्तक बताते हैं, आप लोग को बताना है, बताओ वार एंड पीस का लेखक कौन है? तो वार एंड पीस का लेखक है लियो टोलस टाय। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वार एंड पीस का लेखक लियो टोलस टाय। तीसरा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ आप लोग कि मैन कैंप यानी मेरा संघर्ष का लेखक कौन है? इसका लेखक है हिटलर, ठीक है ना, हिटलर। और बताओ मदर का लेखक कौन है? तो मदर का लेखक है मैक्सिमो गोर्की। आगे बढ़ते हैं। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो ये दिया गया था बालदोरी किसान आंदोलन के दौरान। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो ये दिया था मराठा के औरत तथा महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार का उपाधि प्रदान किया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रंपा विद्रोह कब हुआ? तो रंपा विद्रोह हुआ था 1916 ईस्वी में। कब हुआ? 1916 ईस्वी में। और लखनऊ समझौता भी 1916 ईस्वी में हुआ था, उसके एक साल बाद
महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण से किए थे 1917 ईस्वी में, ये भी आप लोग को याद रखना है। और असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ, तो ये हुआ था 1870 ईस्वी में, ये भी याद रखें। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था, और ये हुआ था अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स में, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर नगर के ब्रेटन वुड्स में हुआ था, और ये हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला मेरा है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो रूसो से रूस मत समझ लेना, रूसो फ्रांस के दार्शनिक थे, कहाँ के थे, फ्रांस के। बताओ मेजिनी का संबंध किस संगठन से था, तो बताया था अभी हम क्या कि मेजिनी का संबंध एक इटली के राष्ट्रवादी गुप्त संगठन था, कार्बोनली उनके सदस्य बने मेजिनी ने, और मेजिनी ने यंग इटली का स्थापना किया था 1831 ईस्वी में, जिसे युवा इटली भी कहा जाता है। और मेजिनी जो है का इटली के एकीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था, और इटली के एकीकरण क्या हुआ था, मेजिनी, काउंट काबूर और गरिबाल्डी ये तीनों के सहयोग से इटली का एकीकरण हुआ था। और इटली के एकीकरण के कौन सा देश के विरुद्ध हुआ था, ये हुआ था ऑस्ट्रिया के विरुद्ध। आगे बढ़ते हैं, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है, तो सौर ऊर्जा मान लो जो सौर प्लेट है उसमें क्या हुआ था, उसका ऊर्जा ख़त्म हो गया, तो क्या करेंगे हम, फिर उसको धूप में रख देंगे, तो फिर हम उसमें उससे जो है सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, तो वही हुआ। तो ये क्या हुआ, पुनः पूर्ति योग, ये क्या है, पुनः पूर्ति योग है। और सौर ऊर्जा को हम नवीकरणीय संसाधन भी कहा जाता है, और नवीकरणीय संसाधन का विशेषता क्या होता है कि ये प्रदूषण रहित होता है, ये प्रदूषण नहीं करता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तटरेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की, और याद रखना कोयला और पेट्रोलियम ये सब मेरा क्या, वो नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है ना, और जंगल हो गया, पानी, जल हो गया, यह सब मेरा नवीकरणीय संसाधन है। तटरेखा में कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्तक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, तो याद रखना ये 200 किलोमीटर, कितना, 200 किलोमीटर। आया क्वेश्चन इसी पर आता है कि किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय संपत्ति कितने वर्ष तक होता है समुद्र में, तो वो होता है याद रखना 12.2 किलोमीटर तक होता है। अच्छा बताओ देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या था, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, ठीक है ना। आगे और योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, ठीक है ना, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो यही योजना आयोग का अध्यक्ष हुए है, ठीक है ना। और राजस्थान में जो हुआ था पंचायती राज के त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो उद्घाटन हुआ था वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे, ठीक है ना। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में स्थित है, तो 96.5% भाग महासागर में है, और ये खारा पानी के रूप में है, और टू यहाँ पर बच गया कितना, मेरा बच गया मेरा 3.5% जो है वो है बर्फ के रूप में, नदी में, तालाब में, झील में, पृथ्वी के अंदर, ये सब में मात्र 3.5% ही है, और 96.5% है मेरा खारा जल के रूप समुद्र में पड़ा हुआ है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है, तो ये मेरा पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल है। लेकिन सूती वस्त्र का राजधानी किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है मुंबई को, और सर्वप्रथम सूती वस्त्र के मिल की स्थापना कहा हुआ वो भी हुआ महाराष्ट्र में 1651 ईस्वी में। बताओ निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है, तो खरीफ बोलेगा तो खरीफ देखो तीन अच्छा है, 1, 2, 3, तो याद रखना एक ठो चावल होता है, और एक ठो होता है आपका गेहूँ, एक ठो होता है चावल और दूसरा होता है गेहूँ, तो चावल में तीन अक्षर है तो खरीफ में भी तीन, तो चावल मिला हुआ खरीफ फसल, और रबी एक रबी फसल में दो अक्षर है तो गेहूँ में भी दो अक्षर, तो गेहूँ हुआ मेरा रबी फसल, याद रखना चावल खरीफ फसल और गेहूँ रबी फसल। और जो गांजा होता है, गांजा तंबाकू जिसको बोलते हैं तंबाकू याद रखना, तंबाकू मेरा नकदी फसल है, क्या है, नकदी फसल है, और क्वेश्चन यही तीनों पर आता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र है, कौन सा है, महाराष्ट्र एक नंबर पर है, और महाराष्ट्र को भारत का वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है,
और यहीं पर जो है गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। आगे बढ़ते हैं अब, और एक चीज़ और याद रखना कि यहीं पर जो है तारापुर विद्युत संयंत्र और ट्रांबे विद्युत संयंत्र और मुंबई हाईवे यहीं पर महाराष्ट्र में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन मेरा है, निम्नलिखित में कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? सड़कों का वर्ग नहीं है तो इसमें होगा सीमांत सड़कें का, शायद हम कोई वीडियो में हम बताते स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग बता दिए, वो नहीं होगा, होगा सीमांत सड़कें। और आप लोग को स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी इससे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग जो है वो चार बड़ा बड़ा महानगरों को जोड़ता है। एक है आपका ये साइड महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र से फिर आता है ये साइड यहाँ पर आता है चेन्नई, और चेन्नई से फिर जाता है यहाँ पर कोलकाता, और कोलकाता से फिर यहाँ जाता है दिल्ली, और दिल्ली से फिर महाराष्ट्र। तो इस प्रकार महाराष्ट्र, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली को चार बड़ा महानगरों को जोड़ता है और चतुर्भुज का निर्माण करता है, इसलिए इसको कहा जाता है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। ठीक है, तो इसका वर्ग नहीं है तो यह सीमांत सड़कें। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, और रेलवे का एकमात्र मुख्यालय बिहार में है। उस बिहार में हाजीपुर जो है वो रेलवे का एकमात्र मुख्यालय बिहार में है। ठीक है ना, और बताओ अगर आएगा पूर्व मध्य रेलवे आएगा तो हाजीपुर, लेकिन जब आएगा पूर्ववर्ती रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पूर्ववर्ती रेलवे का, तो वो उसका होगा गोरखपुर। अब कुछ क्वेश्चन पूछते हैं बिहार के बारे में, बताओ बिहार की पहली रेल लाइन कौन थी? तो बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ठीक है ना, बताओ रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप जो है वो जमालपुर में स्थित है। और बताओ कि मंदार हिल, ये क्वेश्चन हम पिछले बार भी पूछ चुके हैं, मंदार हिल कहाँ स्थित है? तो ये मेरा बांका में है। और कावड़ा झील कहाँ है? तो कावड़ा झील मेरा बेगूसराय में है। ठीक है ना, और बताओ राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट पर है? तो राष्ट्रीय पोत संस्थान महेंद्रू घाट पर है। पटना हवाई अड्डा का नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और बिहार में जो है बंदूक बनता है वो बनता है कहाँ पर? आपका मुंगेर में बनता है। ठीक है ना, इतना आप लोग को जानना है। और बिहार में विभाजित बिहार में सर्वप्रथम बसाया गया नगर, नियोजित नगर जमशेदपुर है। ठीक है, इतना जानना आप लोग को जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, बिहार की सीमा से लेरमार की कुल लंबाई कितना है? तो यह 6283 किलोमीटर। लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है हमारे महान अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। ठीक है ना, ये अमेरिका सबसे अभी तक सबसे फेमस राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। ये किसान फैमिली में जन्म हुआ था, इनका पिता किसान था, लेकिन ये फिर भी इनका मन में संकल्प था कि हमें अमेरिका का राष्ट्रपति बनना, और अमेरिका का राष्ट्रपति ये बने थे। ठीक है, यही नारा दिए थे, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। आगे बढ़ते हैं, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग कितना है, ये बताना है। तो इसका आंसर होगा 71 करोड़ 125 करोड़ देशवासियों में 71 करोड़ जो है मतदाताओं के लिए योग है, यानी उसका 18 वर्ष प्लस है उम्र। आगे बढ़ते हैं, किसी व्यवस्था के फैसले में व्यक्तिगत लोकतंत्रों के परिणाम के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, ये बताना है कि सही कथन कौन सा है। तो देखो, गरीब देशों के आर्थिक विकास के लिए तानाशाही चाहिए, गलत बात, बिल्कुल गलत बात। लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक समानता समाप्त करने में पूर्ण रूप से असमर्थ है, ये गलत बात है। इससे पूर्ण रूप से असमर्थ नहीं, इस तरह नहीं है कि पूर्ण रूप से असमर्थ है, ये गलत बात है। लोकतंत्र विविधताओं में सामंजस्य लाने में सक्षम है, सही बात है। लोकतंत्र क्या होता है, बहुत सारा विविधता है, इस भारत में विविधताओं से भरा हुआ है, सभी का लैंग्वेज अलग है, 22 लैंग्वेज में बटा हुआ है, सभी का धर्म अलग है, लेकिन विविधताओं में भी सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है, तो ये मेरा सही होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, बिहार में पंचायती राज संस्थाएँ हैं, तो बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएँ हैं, और ये त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था जो है किसका कमेटी पर है, तो ये बलवंत राय मेहता समिति पर। और भारत में सर्वप्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ अपनाया गया, तो अपनाया गया था राजस्थान के नरोड़ा जिले में, और इसका और ये 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में अपनाया गया था, और इसका उद्घाटन किया था कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को।
और सर्वप्रथम कहाँ पर राजस्थान के नरोला ज़िले में, और ये इसका भी और सूचना का अधिकार भी सर्वप्रथम राजस्थान में ही प्रारंभ हुआ। आगे बढ़ते हैं, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया, तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण साहब ने किया थे और इसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाते हैं। जब 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी ने आपातकालीन की घोषणा की थी, तब उसके विरोध में जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के विरोध में बिहार के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे। भारत में 70 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी के बहुमत मिला, तो ये मिला था आपातकालीन की घोषणा करने के फलस्वरूप इंदिरा गांधी की सरकार 1975 में आपातकालीन के घोषणा करने के फलस्वरूप इंदिरा गांधी की सरकार 1977 में गिर गया था और उस समय बना था भाजपा का सरकार। किसका बना था? भाजपा का सरकार, तो इसका जनता पार्टी का सरकार, और उसका नेतृत्व कौन किया था? मोरारजी देसाई। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता है, तो इसका है महेंद्र सिंह टिकेट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब हम पूछे थे इस पर क्वेश्चन, क्या बताओ चिपको आंदोलन का नेता कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। और नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेता कौन है? तो मेधा पाटेकर। तारी विरोध आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में हुआ, तो यह हुआ था आंध्र प्रदेश में, और ये महिलाओं के द्वारा आंदोलन किया गया था शराब के विरोध में और पुरुषों को शराब के लत छुड़ाने के विरोध में। सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है, क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। ठीक है ना, इसका आंसर होगा क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसका सभी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में भी और प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में भी सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता पड़ती है। संघीय व्यवस्था में जो सरकार होती है वो होता है द्विदलीय, एक केंद्र स्तर पर सरकार और एक राज्य स्तर पर सरकार, इस प्रकार द्विदलीय सरकार होता है। और भारत क्या है? संघीय व्यवस्था वाला सरकार है। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो आप लोग जानते हैं किसका है? गोवा का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है और बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो इस और बिहार एक पिछड़ा राज्य है। कौन है? पिछड़ा राज्य है। और बीमारू राज्य में कौन कौन आता है, तो बीमारू राज्य में आता है बी आई से बिहार और एम ए से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान और यू से उड़ीसा। लेकिन अत्यंत पिछड़ा राज्य कौन है, तो वो है बिहार। बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक, सिंपल सी बात है, बिहार में सबसे फेमस है कौन? पटना, तो पटना का सबसे अधिक होगा। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो इसका होगा 1 भी रुपया नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, और उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 15 मार्च को। अच्छा, उपभोक्ता अधिनियम कब लाया गया, तो लाया गया था ये 1886 ईस्वी में। ठीक है ना, और उपभोक्ता कॉल करने के लिए जो टोल फ्री नंबर है वो कितना है, 1800-11-4000, ये टोल फ्री नंबर है। आगे बढ़ते हैं। सन 2008-09 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था, तो बताना है, इसका आंसर होगा 25,494 रुपया प्रति व्यक्ति आय था 8 और 9 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा है वित्तीय संस्थाओं के प्रकार है, इसका दो प्रकार है, कितना होता है, दो प्रकार होता है वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होता है दो। देश में किस संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है, तो ये भी दो होगा, कितना होगा, दो होगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो बिहार का आप लोग जानते हैं जो कोसी साइड जो है वो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, तो इसका होगा उत्तरी बिहार जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, कोसी नदी से उसका तबाही उत्तरी बिहार में मच जाता है। ठीक है ना, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और भारत में सबसे अधिक तीव्र धार से बहने वाला नदी कोसी नदी ही है। निम्नलिखित में किससे किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो वह कोसी नदी, बताए थे हम। ठीक है, महासागर की तली पर और सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाला नदी भी मेरा कोसी नदी ही है। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है, तो महासागर में जब होगा तो उसको बोलेंगे सुनामी, और हवा के कारण जो होता है जो पानी घूमने लगता है उसको बोलते हैं चक्रवात, और पृथ्वी पर जो पृथ्वी का अंदर जो हलचल होता है जिसके कारण पृथ्वी डोलने लगता है उसको बोलते हैं भूकंप। ठीक है ना, और भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ नामक यंत्र से। और भूकंप को किस में मापा जाता है, तो मापा जाता है रिचल स्केल में। ठीक है ना, इतना जाना। और भूकंप आने के फलस्वरूप जो
जो व्यक्ति मलबे के अंदर दब जाता है उसे पता करने के लिए कौन सा कैमरा का उपयोग किया जाता है, तो क्या था इन्फ्रारेड कैमरा, इन्फ्रारेड कैमरा। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में आग लगने से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करें। प्राथमिक उपचार का मतलब होता है जो डॉक्टर के कंसल्ट में नहीं, जो मतलब हम कर सकते हैं, ठीक है ना, हम क्या उस तात्कालीन परिस्थिति में कर सकते हैं, तो क्या करना चाहिए, हमें ठंडे पानी डालना चाहिए, ये मेरा प्राथमिक उपचार हुआ। चलो इस प्रकार मेरा खत्म हुआ, बताओ आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा है, और दोस्तों को, अरे सभी दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि किस तारीख को आपका एग्ज़ाम है, और चलो अच्छा तैयारी करें आप लोग, और वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट जरूर करें, और बताएं आप लोग को वीडियो कैसा लगा है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, थैंक्स।